हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रिंस कुमारी ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग हम लोग बना रहे हैं ऐसी घर का कि घर के बारे में दिखा रहे हैं आप लोगों को। और ख़ास बात यह है कि आज संक्रांति है, कल को घुघुतिया त्यौहार है। तो आज हमारी बहन और जमाई जी आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश हो रखे हैं हम लोग। तो आने वाले हैं वो लोग, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो हम लोगों ने ना उनके आने की तैयारियां कर ली हैं, पकौड़ी बना रहे हैं उनके आने तक का। हम लोगों ने पालक भी काट के रेडी कर दिया है और आलू प्याज सब कुछ रेडी कर रखा है पकौड़ियाँ बनानी। ये मेरी मम्मी है, मम्मी यहाँ पर घास काटती है। मम्मी कौन सी घास है? हाँ, ये ना भींगल की घास है। बल तो ये घास ना आजकल गाय के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब गाय ये वाले घास से फिर दूध भी बढ़ाती है ना। हाँ, दूध भी बढ़ाती है बल। तो अभी सिस्टर ने ना ये वाले पेड़ में से काटी घास, वो उतरने के बाद चलेगी अंदर। तो मैं बता रही थी ना आप लोगों को, हम पकौड़ियाँ बना रहे हैं करके, वो पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही है। तब तक जो जो सामान काटना था, काटना कूटना तो मैंने कर दिया। मैं भी ना अब वो वहाँ से जहाँ पर मम्मी घास काटी थी ना, वहाँ से घर चले गई हूँ। तो अब हम लोग ना पकौड़ियाँ बनाते हैं। सिस्टर लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है। चल रहे हम पकौड़े बनाते हैं, चल। तो ये हमारा नानू है, नानू को भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। नानू क्या खा रहे हो बेटू? हाँ नानू बिस्कुट खा रहे हैं। बिस्कुट मम्मी को खिला दो, एक मम्मी को मिलेगा है? मम्मी को भी नहीं दे रहा है, उससे निकल ही नहीं रहा है पैकेट में से। मेरी ना बहन और जमाई जी ना आने लग गए हैं, तो वहाँ से आ रहे हैं। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, देखो वहाँ से होते हुए आ रहे हैं वो दोनों। वो गाड़ी के रास्ते से नहीं आना पड़ता है ना, उनके यहाँ से पैदल पैदल आना पड़ता है। तो दोनों लोग आ रहे हैं वहाँ से। वो आज ना बहन और जमाई जी आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रखे हैं। शादी के बाद ना पहली बार दोनों बहनें ऐसे मतलब एक साथ मायके आ रखे हैं। तो जब से ना मेरी बहन की शादी हुई है, उसकी शादी होने के बाद हम दोनों बहनें मतलब पहली बार मिल रहे हैं मायके में। वैसे तो आए थे ना वो एक बार हमारे यहाँ, तो वही मिली थी मेरे को वो। हमारा ना डॉगी भी ना वो बहन और जमाई जी को लेने गया था, देखो उन्हीं के साथ आ रहा है वो। रुक गया है, जब तक वो आगे को नहीं आ रहे ना, वो भी बीच बीच में रुक जा रहा है। आगे हैं बहन और जमाई जी, ये आगे हैं। देखो बहन और जमाई जी आगे हैं हमारे घर के पास, और वो वहाँ रास्ते में रुक गए हैं। पता नहीं क्यों रुक रहे हैं, पहले फटाफट आ रहे थे, जैसे ही घर पहुँच रहे हैं तो धीरे धीरे चलने लग गए हैं दोनों। ये पहुँच गए हैं हमारे मेहमान घर में, हाय बोल दिया इन्होंने भी। और सिस्टर ना वो अक्षर डाल दिया हमारे यहाँ ना, अक्षर डालते हैं जब मायके में आते हैं, तो उसके बाद दरवाजे में डेली पूजन करते हैं, तो पूजन कर रही है भी। अब ना दूसरे वाले घर के दरवाजे भी पूजने लग गई है सिस्टर। अब ना सिस्टर और आमा मिलने लग गए हैं, दोनों गले मिल रहे हैं, और उसके बाद अभी मम्मी से भी मिलेगी। मम्मी के साथ भी गले मिल गई, अब है मेरी बारी। तो हम दोनों बहनें भी गले मिलने लग गए हैं। देखो ये है, आगी है मेरी हमसकन सिस्टर। देखिए हम लोग यहाँ पकौड़ी की तैयारी करने लगे हैं। ये बहन ना मसाला मिक्स कर रही है, देखो परात में इसने सब कुछ डाल दिया है वो। और फिर से धनिया काटने लगी है, और वो बेसन रख रखा है पन्नी में। इसमें ये पालक है, पालक ज़्यादा हो गया है, बल इतना बचा रहे हो रे। हाँ ये ज़्यादा हो गया है बल। ये है मेरी बड़ी वाली बहन जिसकी शादी हो रखी है, अभी आ रखी है ना, आने के बाद तुरंत काम में लग गई। और मेरे को बैठा दिया है इन दोनों ने, और कढ़ाई भी ना चूल्हे में रख दी है। ये तेल गर्म हो रहा है पकौड़ी बनने के लिए। आप लोग भी आ जाना जिसको पकौड़ी खानी है। हमारी पकौड़ी बनने लग गई है, ये कढ़ाई में डाल दी है पकौड़ियाँ, देखो। तो दोस्तों हमारी पकौड़ी ना बन के रेडी हो गई है। तो मम्मी लोग, जमाई जी, बहन लोग सब लोग खा रहे हैं वहाँ। तो मैं अपने नानू को सुना रही थी ना, मेरे लिए ना सिस्टर ही लेके आ गई छोटी वाली पकौड़ी। ये पकौड़ी ही प्लेट में आप लोग भी खा सकते हैं। और ना हमारे जमाई जी ने चटनी भी बनाई है, चटनी भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये है चटनी, ये जमाई जी ने बनाई है स्पेशल वाली चटनी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। इसमें भंगीरा भी है, धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, और खट्टा करने के लिए नींबू डाल रखा है।